सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हेलो स्टूडेंट्स, VIIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय चैनल VIIIC। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि जो भी वीडियो को नया देख रहे हैं, नए लोग हैं, वो सबसे पहले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर नए नए न्यूज की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। अब मैं आता हूं अपने न्यूज के पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, दो महत्वपूर्ण समाचार या न्यूज निकल कर के सामने आ रही हैं, जो कि विभिन्न न्यूज़पेपर में भी दी हुई हैं, आप लोगों ने पढ़ भी ली होंगी, लेकिन उसका एनालिटिकल प्रीव्यू करना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। तो दोस्तों, उन दो न्यूजों में पहली न्यूज है कि जो पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी संघ है और उसके संयोजक रंजीत गौर हैं, उन लोगों के अनुसार सभी पात्र अभ्यर्थी आगामी सत्र में विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोशिश करने जा रहे हैं। दूसरी न्यूज निकल करके आई है दोस्तों कि गवर्नमेंट कहती रही है कि पोस्ट नहीं है, पद नहीं है, तो उसके बारे में भी बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है और बिल्कुल करंट ही ये अपडेट है कि कितने टीचर प्राइमरी में हैं, कितने मिडिल में हैं और कितने हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, यानी कि वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन में कितने पोस्ट खाली हैं शिक्षकों की और उनमें कितने अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं, तो आइए हम थोड़ा सा विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए हम पहली न्यूज के बारे में बात कर लें। तो पहली न्यूज है कि अभ्यर्थी संघ जो है आगामी विधानसभा सत्र का घेराव करेगा और सभी जो भी प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उन सभी से इस्तीफे की मांग करेगा। जैसा कि आप लोगों को ये न्यूज में दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो पत्रिका हो, सभी प्रकार के न्यूज पेपर में ये खबर काफी प्रसारित हुई है। तो आइए, क्या है ये खबर, ये देखिए आप लोग। जैसा कि न्यूज पेपर में दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश के पात्र अभ्यर्थी संघ के संयोजक श्री रंजीत गौर और उनके साथियों मयंक जैन और अदर्श के द्वारा, सभी साथी गणों के द्वारा आगामी विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा और वहां पर होने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से इस्तीफे की मांग की जाएगी, क्योंकि सभी ने, उनका कहना है कि सभी लोगों ने मिलकर के जो है 120,000 पदों की नियुक्ति करने का वचन पत्र में होना निर्धारित किया था कि 3 महीने के अंदर 120,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन जब वर्ग एक और वर्ग दो की पोस्ट निकल करके आई तो वह बहुत ही कम थी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि उन्होंने अपने वचन पत्र को नहीं निभाया है, उसमें जो भी बातें सम्मिलित हैं वो बिल्कुल झूठी है, मिथ्या है। तो इसी के संदर्भ में जो है विधानसभा का आगामी सत्र में घेराव किया जाना है और जनप्रतिनिधियों से इस्तीफे की मांग की जाना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज निकल करके आई है। इसका प्रारंभ हुआ था 20 जनवरी से सांची में और वहां से जो है पैदल यात्रा की थी और उसके बाद में 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक भोपाल की सांची जाने वाली पार्क में काफी बड़े रूप में आंदोलन किया गया, जिसमें कि 26 जनवरी को हमारे जो है प्रभुराम चौधरी शिक्षा मंत्री भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि द्वितीय स्टेप में हम जो है पदों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ भी चीज समझ में नहीं आ पा रही है। अभी तक बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है मामला और इसको हमको कंटिन्यू आह्वान करते रहना है। अभी बीच में कुछ समय के अल्प के बाद में वापस इस पर जो है एक संचार चालू हो गया है, वापस इसमें प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, इसकी अग्नि में वापस ज्वाला उठने लगी है और यह निश्चित रूप से बिल्कुल सिद्ध है कि जब तक पोस्ट ना बढ़ेंगी गवर्नमेंट को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। और इसी के ये जो महत्वपूर्ण न्यूज थी दोस्तों, सभी लोग इसमें भाग लें, मेरा निवेदन है कि चाहे वो वर्ग एक वाले हों, वर्ग दो वाले हों और वर्ग तीन जो कि आगामी होने वाली है, वो सभी अभ्यर्थी मिलकर के, और वो अभ्यर्थी भी जिनकी रैंक कितनी भी रही हो, वो भी आकर के इसमें शामिल हो, जिससे कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सही RTE रूल्स के अनुसार पदों को बढ़ा सके और उनके अनुसार विषयों को शामिल कर सके। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण न्यूज थी। दूसरी न्यूज निकल करके आ रही है कि गवर्नमेंट कहती है कि दोस्तों पोस्ट नहीं है, पोस्ट कैसे नहीं है, प्रदेश भर में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं, पिछले 8-10 साल से कोई भी नियुक्ति शिक्षकों की
मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। तो आइए थोड़ा सा इस ऑथेंटिक न्यूज को मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, यदि हम बात करें तो देखिए अनुविभागीय अधिकारी के इसमें बिल्कुल सिग्नेचर हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, जिसमें रिक्तियों की संख्या और कितने गेस्ट टीचर कार्यरत हैं वो सब कुछ दिया हुआ है। ये 21/1/2019 में इसका अपडेशन हुआ है। तो आइए देखिए बारी बारी से हम इसकी चर्चा करते हैं। तो वर्ग तीन की बात करें तो वहां पर टोटल जो वैकेंट सीट्स हैं वो हैं 33,245, जबकि गेस्ट काम कर रहे हैं 28,308। तो यहां भी देखा जाए तो गेस्ट होने के बाद भी पोस्ट खाली हैं, जबकि गेस्ट को हटा दें तो टोटल पोस्ट 33,245 खाली। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की बात करें तो वहां पर 70,237 खाली हैं और 51,183 वहां पर गेस्ट कार्य कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल यानी वर्ग एक की बात करें तो 34,372 टोटल पोस्ट हैं और 17,457 वहां पर गेस्ट काम कर रहे हैं। तो गेस्ट होने के बाद भी काफी सीट्स यहां पर खाली हैं। टोटल यदि देखा जाए इसका तो 1,37,904 पोस्ट वैकेंट हैं एंड 96,948 अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर यहां पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने काफी बड़ी संख्या में पदों की संख्या है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा बार बार कई प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं कि पद नहीं है तो हम कहां से निकालें। और भाई यदि पद आपको तो बिल्कुल समानता का व्यवहार करना चाहिए था, आपने एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पद दे दिए और दूसरे सब्जेक्ट में बिल्कुल नील, जैसे कि मान लीजिए 50 है, किसी में 60 है, किसी में 18 है। लेकिन यहां पर यदि इसके एनालिसिस किया जाए तो काफी संख्या में पद खाली है। यदि बिल्कुल समान पदों का भी वितरण किया जाता तो आज ये इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती, ना ही इस प्रकार का आंदोलन करना पड़ता। तो गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि थोड़ा सा इसके बारे में संज्ञान लें और अपनी आपके जो वादे किए हुए हैं उन वादों को आगे बढ़ करके पदों की गिनती को वापस किया जाए और उनको वितरण को समान रूप से लागू किया जाए। तो दोस्तों ये जो दो महत्वपूर्ण खबरें थी, पहली थी कि विधानसभा का घेराव करना है, ये है, ये ऑथेंटिक न्यूज है, कई पेपर में चैनल्स के माध्यम से भी आप लोगों के मध्य में प्रसारित है। और दूसरी न्यूज बिल्कुल जो कि ऑथेंटिक है, अभी लेटेस्ट ही है 21/1/2019 की, जिसमें रिक्तियों की कुल संख्या और उसमें कितने गेस्ट खाली कर रहे हैं उसके काम कर रहे हैं और कितने जो है उसमें रिक्तियां उसके बाद भी बचती हैं। और तो ये जो महत्वपूर्ण न्यूज थी ये मैंने आप लोगों को बता दी। अब सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस आह्वान को बिल्कुल जारी रखें और जब तक कि हमारी संपूर्ण मांग नहीं ली जाती इस प्रकार के आंदोलन को अनवरत जारी रखें। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।